आज दोपहर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सियासत में सबके नेताजी कहे गए मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दी गई। सैफई के जिस गांव से समाजवाद के सिपाही के तौर पर मुलायम सिंह निकले, उसी जमीन पर अखिलेश यादव ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। तमाम दलों के नेता, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, हजारों समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। आज की उन्हीं तस्वीरों को अब आप देखिए और याद करिए मुलायम सिंह यादव के शब्दों को, आखिर कैसे समाजवाद की राह देश के लिए चाहते रहे धरती पुत्र। धरती पुत्र मुलायम सिंह। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी हराने की दल नहीं है केवल, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। हमारी भारत माता के विकास में कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसको जड़ मूल से उखाड़ के फेंकने का प्रयास करेगी, उसका नाम है समाजवाद। समाजवाद तुम्हारा चिंतन इसके प्रबल प्रवर्तक हो, लोकतंत्र के प्रहरी हो, जन जन के दर्द निवारक हो। पहला नंबर एक किसान है, एक नौजवान है और फिर व्यापारी है। किसान पैदावार करेगा, नौजवान संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा, पीएसी भी जाएगा, कुछ लोग अपने खेती भी काम करेंगे। ये नौजवान हैं और व्यापारी को भी नफरत नहीं करना चाहिए, व्यापारी को लाभ हो तो व्यापारी सब खरीद कर लेगा। ये तीनों को सुधार देने चाहिए, देश सरकारी हो जाएगा। जन जन के मन बसे हुए हैं, जनप्रिय नाम मुलायम है, लोकतंत्र के इस प्रहरी का जलवा शाश्वत कायम है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है इंसाफ और इंसानियत। हमारा साफ लक्ष्य है इंसाफ और इंसानियत है, इसके अलावा हमारा न कोई दूसरा धर्म है और न दूसरा कोई हमारा नाम है।